हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन दी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को यहाँ पे डिफाइन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में हमको थोड़ा डिफरेंस भी देखना है। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द PLC इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है और एनी अदर प्रीवियस एक्ट या फिर कोई दूसरे प्रीवियस एक्ट हुए। देयर इज नो डिफाइंड लिमिट ऑन द नंबर ऑफ members of the company can have। कोई भी डिफाइंड यहाँ पे लिमिट नहीं है मेंबर्स की यहाँ पे। ऑल्सो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरबिलिटी ऑफ द शेयर्स की ट्रांसफरबिलिटी के लिए कोई भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। द कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। एंड दैट इज वाई द टर्म पब्लिक लिमिटेड गेट्स एडेड इन इट्स नेम। इसलिए वर्ड पब्लिक लिमिटेड हम एड कर देते हैं इसके सामने। डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है? अ प्राइवेट limited company is a joint stock company incorporated under the Indian Companies Act 2013। Indian Company Act 2013 के अंदर ये registered है और any other previous act या फिर और कोई previous act हुआ। The maximum number of the members is 200। यहाँ पे जो maximum number of members है वो basically 200 हैं। Excluding the current employees and the ex-employees who were the members during their employment or the continues to be the member after the termination of the employment in the company। या फिर basically current या फिर ex-employees भी इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब एक तरी एक बार में हमारे पास limit कितनी है? 200 है। चाहे वो ex-employee की हो चाहे वो current employee की हो, किसी भी तरीके से हम total लगा सकते हैं। The company restricts the transfer of the shares and prohibits the invitation to the public for the subscription of the shares and debentures। कंपनी रेस्ट्रिक्ट होती है कि भाई शेयर्स और प्रोहिबिट्स करती है इनविटेशंस को भी, भाई शेयर सब्सक्रिप्शन को और डिबेंचर्स को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट यूजेस द टर्म प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज होता है नाम के एंड के अंदर। डिस्टिंक्शन देख लेते हैं हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में। सबसे पहले हम डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया रखते हैं, मिनिमम कैपिटल। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 1,00,000 रुपए चाहिए हमको पेड अप कैपिटल, यहाँ पे 5,00,000 रुपए चाहिए मिनिमम कैपिटल। मेंबरशिप, प्राइवेट के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हो। मिनिमम यहाँ पे हमारे पास 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हमारे प्राइवेट कंपनी के अंदर हम रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक के अंदर हम इजीली शेयर्स को ओपन मार्केट के अंदर भी बेच सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे कोई भी प्रोस्पेक्टस फाइल करने की हमको जरूरत नहीं है। एक पब्लिक लिमिटेड को फाइल करना है अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास बिफोर अलॉटिंग द शेयर्स को अलॉट करने से पहले। स्टेटमेंट ऑफ द लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे कोई भी हमको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इशू नहीं करना है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर यहाँ पे इशू करने हमको शेयर्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी, चाहे वो रिलेटिव्स हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, ये स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार को शेयर्स को अलॉट करने के लिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट के केस के अंदर हमको 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायर्ड है, पब्लिक के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स हमारे पास 3 हैं जो कि रिक्वायर्ड है। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को कमेंस करने के लिए प्राइवेट कंपनी कभी बिजनेस को कमेंस कर सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की हमको जरूरत है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रेडी पब्लिक कंपनी स्टार्ट करती है अपना बिजनेस आफ्टर ऑप्टिकेट सप्लीमेंट का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद ही ऑपरेट करती है अपने काम को। राइट शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को कोई भी राइट नहीं है कि कोई भी फर्दर इशू मिलेगा शेयर्स को, कोई प्राइमरी इशू ही नहीं मिलता। पब्लिक के केस में यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद हम चीजें राइट शेयर्स के थ्रू ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैचुरी मीटिंग एंड रिपोर्ट। स्टैचुरी मीटिंग और रिपोर्ट्स की बात करते हैं हम लोग। तो प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर हमको कोई भी मीटिंग होल्ड नहीं करनी, कोई भी स्टैचुरी मीटिंग फाइल नहीं करनी हमको रजिस्ट्रार से पहले। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड है हमको स्टैचुरी मीटिंग होल्ड करनी है और स्टैचुरी रिपोर्ट होल्ड करनी है एक स्पेसिफाइड टाइम जो भी रजिस्ट्रार का दिया जाता है। डायरेक्टर कंसर्न, the directors of the private company are not required to file the written consent। कोई भी written consent फाइल करने के लिए requirement की जरूरत नहीं है directors को या company के registrar को। but in case the public company it is required, public company के अंदर ये सारी चीजें हमारी जरूरत होती है। appointment of directors के appointment की, all the directors may be appointed by the single resolution, single resolution से ही सारे directors को appoint करा जाता है। but contrary to it in a public company a separate resolution is required, एक separate resolution की जरूरत पड़ती हमको। फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ ईच डायरेक्टर एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ दी पब्लिक कंपनी मस्ट रिटायर, 2/3 पब्लिक कंपनी रिटायर होनी चाहिए। एंड रोटेशन एट एवरी जनरल मीटिंग, और हर जनरल मीटिंग में रोटेशन होना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, Here the directors are not required to be retired by rotation। private company के अंदर rotation से directors retired नहीं होते हैं। at least 2/3
डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पब्लिक कंपनी मस्ट रिटायर्ड बाय द रोटेशन, दो थर्ड जो डायरेक्टर हैं वो रिटायर होनी चाहिए रोटेशन के थ्रू एट एवरी जनरल मीटिंग, हर एक जनरल मीटिंग के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मोर देन 12 डायरेक्टर्स मे बी अपॉइंटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद 12 डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंटेड होने चाहिए। बियॉन्ड द 12 डायरेक्टर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 12 डायरेक्टर्स के बियॉन्ड कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोरम, इफ द टू मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग, अगर दो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं मीटिंग के लिए कैन फॉर्म द कोरम इन द ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की कोरम सेट कर सकते हैं। फॉर लीगलिटी एटलीस्ट 5 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंटली पर्सनली फ्रॉम द कोरम ऑफ द मीटिंग, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के कोरम के अंदर पब्लिक के केस के अंदर। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया है पब्लिक और प्राइवेट के बारे में क्या होता है। थैंक यू सो मच।